हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो एक ऐसी गाड़ी के ऊपर यहाँ पे होने वाली है जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अगर आप कोई बेस मॉडल लेने का सोच रहे हैं और एक एसयूवी गाड़ी देख रहे हो ना, तो बेस्ट कैटेगरी में ये आपके सामने गाड़ी खड़ी है जो आपके बजट में भी आ जाएगी और इसमें फ़ीचर्स जो मिलेंगे वो भी काबिले तारीफ मिल जाती है। क्या क्या फ़ीचर्स आ रहे हैं, कितने का मिल सकता है, ऑन रोड क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करेंगे सबसे पहले कार के वेरिएंट के नाम से। तो इसका जो बेस मॉडल आप देख रहे हो, ये इसका बेस मॉडल सिग्मा नाम से यहाँ पर आता है। और सिग्मा में आप इसका सबसे जो मेन पॉइंट है ना, वो आपको बताता हूँ, कीमत वो है मात्र 11 लाख एक्सशोरूम कीमत में ये मिल रहा है। 11 लाख एक्सशोरूम कीमत, 10,99,000 इसका एक्सशोरूम कीमत है एग्जैक्टली, जो कि 11 लाख इसको मान सकते हो। और यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में जो फीचर्स मिलते हैं वो काबिले तारीफ है। फ्रंट प्रोफाइल ही देख लीजिए, ग्रिल यहाँ पे जो है टॉप एंड मॉडल का एकदम फील कराएगा आपको, वही ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है। चौड़े पट्टे में क्रोम दिया गया है, बहुत सही लग रहा है। इसके जो है टर्न इंडिकेटर वो LED फॉर्म में यहाँ पे ग्लो करते हैं और यही जो है DRLs की तरह भी वर्क करते हैं। इसके हेडलाइट जो है प्रोजेक्टर फॉर्म में मिलता है, बट इसकी जो बीम है वो येलो बीम के फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। बाकी नीचे जो है सिल्वर स्किड प्लेटें आ जाती है। तो ये है कार का फ्रंट प्रोफाइल, काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे लगता है। अब जब साइड से आएंगे तो साइड देखेंगे तो कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल मिलता है। आपको लग रहा होगा कि इसमें एकदम सिंपल व्हील आ रहे हैं, नहीं गाइस, इसमें व्हील कवर है। व्हील कवर अभी लगे नहीं है, वो डिक्की के अंदर रखा हुआ है, तो व्हील कवर के साथ ये मिल जाते हैं। और इसका जो डायमेंशन की बात करें तो 4345 mm की कार की लंबाई मिलती है भाई, और कार की जो चौड़ाई है वो 1795 mm की है और कार की ऊंचाई वो 1645 mm की मिल जाती है। वहीं व्हील बेस 2600 mm का मिलता है और गज़ब का ग्राउंड क्लियरेंस करीबन 210 mm का मिल जाता है। यहाँ पे देखें तो कुछ इस प्रकार से इसके व्हील्स मिलते हैं जो कि स्टील रिम है, व्हील कवर के साथ आते हैं, 5 नट के साथ है। और जो प्रोफाइल है वो इसमें किधर है, 215/60R17 का यहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल अपोलो के टायर्स इसमें लगे आ रहे हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि वेंटिलेटेड टाइप है। रियर में जो है डिस्क ब्रेक मिलता है, ये सॉलिड टाइप के यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये है इसके व्हील्स के बारे में। बाकी यहाँ पे देखें व्हील आर क्लाइडिंग एकदम जो है मीडियम से जो है थोड़ा सा पतले टाइप के यहाँ पे व्हील आर क्लाइडिंग मिलता है, थोड़ा सा स्क्वायरी शेप में यहाँ पे मिलता है, जिससे एक SUV लुक ज़रूर यहाँ पे गाड़ी का मिलता है। यहाँ पे ORBM की बात करें तो ये ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल और टर्न इंडिकेटर ORBM पे LED में मिल रहे हैं। बॉडी कलर का A पिलर मिलता है, B पिलर जो है यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक टेप्ड आउट है, और C पिलर में आपको यहाँ पे ग्लास एरिया भी मिल जाता है। इससे जो है मतलब गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी यहाँ पे लगती है। और यहाँ पे देखो ऊपर जो है थोड़ा सा सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। बॉडी कलर के डोर हैंडल्स आ जाते हैं और यहाँ पे कमाल की चीज़ भाई, बेस मॉडल में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर मिलता है जिसका रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे डोर पे दिया गया है। तो यह है कार का साइड प्रोफाइल के बारे में। अब जो है इसके रियर की तरफ आएंगे तो बहुत ही अमेजिंग लगता है, देख सकते हो इसके रियर से वही आपको जो कनेक्टेड लाइट वगैरह जो आप टॉप मॉडल में देखते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसके बेस मॉडल में मिल जाता है। ये है देख सकते हो ये जो लाइटें हैं ये कनेक्टेड वाली यहाँ पे मिलती है, साथ ही साथ ब्रेक लैंप्स यही हाई बीम के साथ यहाँ पे ग्लो करता है। बाकी यहाँ पे नीचे इसके टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और यहीं पे जो है ये देख सकते हो इसका रिवर्स लैम्प हैलोजन में दिया गया है। ये रिफ्लेक्टर हो गया नीचे और सेंसर यहाँ पे देखें 1, 2, 3 और 1, 4, मतलब चार यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है। ये गाइस ये स्मार्ट हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड भी आप इसको बोल सकते हो इसमें मिलता है, जो माइलेज थोड़ा बहुत इंप्रूव करता है। और यहाँ पे जो है ग्रैंड विटारा का बैजिंग यहाँ पे मिलता है, क्रोम में सुजुकी का लोगो हो गया, डिफोकरल ग्लास मिल रहा है इसके बेस मॉडल में, और ऊपर देखो यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप और सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके रियर प्रोफाइल में दिया गया है। और इसमें बेस मॉडल में रियर कैमरा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है, वो आपको लगवाना पड़ता है। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल के बारे में। अब यहाँ पे इसके बूट की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने बताया था जो इसके व्हील कवर है वो अभी डिक्की में रखे हुए हैं, तो ये है इसके व्हील कवर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं, लगे नहीं है, लग जाएंगे ये। बाकी यहाँ पे जो है स्पेस मिलता है वो 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पे पार्सल ट्रे आप लगवा सकते हो, हालांकि इसमें बेस में नहीं आता है, तो यहाँ पे उसके लिए जो प्रॉपर जगह भी दिया गया है। हुक एक साइड में दिया है, इस साइड में कुछ नहीं है। बाकी स्टेपनी इसके नीचे मिल जाता है, ये देखिए जो अपोलो के टायर्स ही इसमें आ रहे हैं और जो स्टील रिम के साथ है। और साइज़ की बात करें तो 215/60R17 सेम साइज़ का ही मिल रहा है। तो ये था इसके स्टेपनी के बारे में। 60-40 स्प्लिट सीट यहाँ पे दिया गया है। बंद करने के लिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हैंडल्स दिया गया है, करते हैं इसको बंद। और यहाँ पे आते हैं इसका साइड में, तो इसका मिल जाता है फ्यूल टैंक, फिलर कैप।
तो यहाँ पे जो है कैपेसिटी मिलता है वो 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये कार आती है। अब जो है इसके अंदर की तरफ चलते हैं, ये देख लिया आपने पूरा बाहर का, अंदर से देखेंगे तो वो भी कमाल का यहाँ पे लगता है इसका इंटीरियर। सबसे पहले जो है ये डार्क ब्राउन कलर जो है, ये ब्राउन कह लो या जो भी है, बहुत सही लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, गाड़ी के ऊपर एकदम सूट करते हैं। ये देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ पे देख सकते हो कार का डोर मिलता है, सिल्वर फिनिशिंग क्रोम फिनिशिंग डोर लीवर पे, ये मिरर एडजस्ट करना फोल्ड करना, यहाँ पे सेंटर लॉकिंग बटन और ये चारों का चारों पावर विंडो, ड्राइवर वाला ऑटो डाउन ऑटो अप ये मिल जाता है। यहाँ पे फैब्रिक टच यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हो ये ब्लैक कलर में जो है, बट बाकी जो है प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ है। और यहाँ पे जो है बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, स्पीकर के लिए ग्रिल ओनली दिया है, बट स्पीकर्स इसमें आते नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से इसके सीट्स मिलते हैं, बहुत सही है, फैब्रिक में है, कुशनिंग बहुत अच्छा है और हल्की टाइप का ना, एक ऐसा लगता है कि वेलवेट है, बट वेलवेट का कपड़ा नहीं है, है फैब्रिक जो नॉर्मली जैसे आता है वैसे ही। हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है इसके बेस मॉडल से ही, वही सही है। यहाँ पे इसके हेडरेस्ट देखेंगे तो एडजस्टेबल आ जाता है कुछ ऐसे, और सीटों के साइड में इसमें एयरबैग नहीं दिख रहे हैं, बाकी इसमें जो है एयरबैग दो ही आते हैं जो कि फ्रंट में आपको दिए गए हैं। वहीं यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन साइड में दिया गया है, चारों तरफ क्रोम है, ये हेडलाइट लेवल करने वाला बटन यहाँ पे दिया गया है। और अंदर बैठते ही फिर अंदर से गाड़ी का फीचर्स दिखाते हैं आपको, ये देखिए कार का इंटीरियर काफ़ी कमाल का यहाँ पे लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे कार की कीज़ देख लीजिए, ऐसी कीज़ यहाँ पे मिलती है जो ब्लैक कलर में है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे लॉक अनलॉक फीचर के साथ यहाँ पे आ रहा है, दोनों के दोनों यहाँ पे रिमोट की यहाँ पे दिया गया है कुछ इस प्रकार से, साइड में रखते हैं। और यहाँ पे स्टेयरिंग देखें तो राउंड शेप में दिया गया है, इधर जो है इसका म्यूज़िक के कंट्रोल्स, और यहाँ पे एकदम ब्लैंक है, और यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग है। इधर जो है इसका क्लस्टर देखिए कितने सॉलिड लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं, जो कलर थीम और जो क्रोम फिनिशिंग वगैरह सिल्वर फिनिशिंग मिल रहा है ना इसके क्लस्टर में, बहुत ही शानदार यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो इसमें जो है चेंज करना है तो इस बटन से आप यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो, तो ये टोटल ट्री वगैरह ये सारे इन्फॉर्मेशन, फ्रंट मोशन, टॉर्क, पावर, ये जितने भी इन्फॉर्मेशन जो मारुति की गाड़ी में दिखाता है वो सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कुछ इस प्रकार से। और इसमें जो है सेटिंग्स वगैरह इसी से करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं तो सेटिंग्स वाला सेटिंग ओपन हो जाता है। इधर से जो है इसका जो ट्रिप ए ट्रिप बी और ऑडियो मीटर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सीट बेल्ट किन्होंने लगाया किन्होंने नहीं लगाया वो सब कुछ यहाँ पे शो करता है। बाकी इसको लाइट पहले बंद कर देते हैं, अच्छा इंडिकेटर दिया हुआ है हाँ। तो ये है इसका क्लस्टर के बारे में, बाकी इसका एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, आगे पीछे नहीं होगी। और यहाँ पे वाइपर वाले फंक्शन, इधर हेडलाइट वाले फंक्शन यहाँ पे आ रहे हैं जो कि नॉर्मली है, म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है वो लगवाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से एसी वेंट दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाता है इसके बेस मॉडल से ही। यहाँ पे जो है ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन हो गया, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑफ करना यहाँ से आप कर सकते हो। ये जो है 12 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे मिलता है, और यूएसबी पॉइंट क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम ही नहीं तो कहाँ से होगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलता है, चाबी वगैरह या फोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, एक रिवर्स के साथ है, लेदर हो गया, क्रोम टॉप के साथ हैंड ब्रेक, थोड़ा स्पेस यहाँ पे, कप होल्डर हो गया, आर्म रेस्ट मिल जाता है भाई इसके बेस मॉडल से, वो भी स्लाइडेबल वाला, इसीलिए वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल है और बेस्ट मॉडल आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे थोड़ा स्पेस वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स देख लेते हैं तो डिसेंट स्पेस यहाँ पे भी मिल रहा है, सिल्वर फिनिशिंग है कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड पे, और आईआरबी मैनुअली एडजस्टेबल के साथ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो भाई बेस मॉडल में वैनिटी मिरर दिया गया है, वो भी ड्राइवर साइड में, पैसेंजर साइड में भी वैनिटी मिरर दिया गया है, वो भी बढ़िया एकदम बड़ा सा। यहाँ पे जो हैंडल्स देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिलता है, लाइटें वगैरह देख लेते हैं तो हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे दिया गया है। तो ये था कार का इंटीरियर के बारे में, एक बार रियर कैबिन भी देख लेते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह मिलता है। तो मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ इस सीट को अपने अकॉर्डिंग, मेरी हाइट 5'4" है तो उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि पीछे मुझे कितना स्पेस मिले वो पता चल सके। ये देखिए ये परफेक्ट पोजीशन है, अब चलते हैं पीछे। यहाँ देखिए ये स्पेस के मामले में कोई भी शिकायत यहाँ पे नहीं मिलेगी। अंडर थाई सपोर्ट भी प्रॉपर है, बट ये सीट की थोड़ी लेंथ आपको डिसेंट यहाँ पे मिल सकता है, बट प्रॉपर यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट ये अच्छा मिल रहा है, और लेग रूम हेड रूम ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सीट बैक पॉकेट मिल जाता है, इस साइड में भी मिल जाता है, रियर के एसी वेंट दिया गया है, कंट्रोलर है, कम ज़्यादा करना यहाँ सब कर पाओगे। यहाँ पे नीचे की तरफ फ़ोन वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पे भी सीट की फैब्रिक वगैरह मिलता है कुछ इस प्रकार से। इसका सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, ये देखो कप होल्डर के साथ है भाई, 60-40 स्प्लिट फीचर के साथ यहाँ पे आता है, ये कुछ ऐसे। अभी जो है यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे निकल जाता है,
और तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ रहे हैं। बीच वाले जो छोटे हैं थोड़ा सा, और इस प्रकार से दोनों साइड में बड़े बड़े मिलते हैं। 60-40 है, बहुत काम का है। और ये टू स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर आ रहा है भाई इसमें भी, ये देखो ये ज़्यादा है, ये रिक्लाइनिंग थोड़ा कम है, तो ये बढ़िया चीज़ लगा मुझे। ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो ज़्यादा रिक्लाइनिंग करके यहाँ पे रख सकते हो। बाकी सीट बेल्ट देखो कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकलता है इसका, उसका भी उधर से, लेकिन सेंटर वाले का वहाँ से एकदम ऊपर से कोने से निकलता है। तो ये सीट है, बाकी आइसोफिक्स वगैरह भी इसमें आता है। और एक बार डोर देख लेते हैं, तो डोर कुछ ऐसा यहाँ पर मिलता है, देख सकते हो वही फिनिशिंग, और यहाँ पे भी फैब्रिक फिनिशिंग मिलता है। पावर विंडो वाला बटन, क्रोम डोर लीवर, सिल्वर फिनिशिंग, स्पीकर के लिए यहाँ पे हाउसिंग दिया है। बाकी यहाँ पे देखिए बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ पे डोर पे मिलता है। यहाँ पे लाइटें वगैरह की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलता है, देख सकते हो ये दिया गया है इसका लाइट, जो कि हाइलोजन बल्ब के साथ है, और ये दोनों तरफ मिलता है। और इधर ग्रैब हैंडल मिलता है, जो कि एक तरफ हुक है, दूसरी तरफ हुक नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो है इसका जो सीट बेल्ट है, इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, ये देखो अपने अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। बाकी उधर वाला भी एडजस्ट हो जाता है। तो जो फीचर्स बाकी के गाड़ियों में मिड वेरिएंट या सेकंड टॉप में मिलने लगता है, वो इसके बेस मॉडल में दिया गया है, देख सकते हो। इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला पुश स्टार्ट स्टॉप फीचर मिलता है, रियर केसी इवेंट हो गया, 60-40 स्प्लिट सीट, वो भी रिक्लाइनिंग फीचर के साथ यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे और भी फीचर यहाँ पे मिलते हैं। तो ये आपने देखा ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल के बारे में। एक बार इंजन भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका बोनट यहाँ से ओपन होगा, देख सकते हो यहाँ से फ्यूल लिड ओपन होता है, यहाँ से इसका बोनट ओपन होता है। और इस गाड़ी से काफ़ी बेहतरीन माइलेज भी निकल के आता है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका इंजन देख लीजिए, ये 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन यहाँ पे मिलता है, देख सकते हो। एक तरीके से एमपीए इंजन आप इसको कह सकते हो मारुति का, और बहुत ही बढ़िया और एकदम साइलेंट इंजन ये मिलता है। चलता है तो अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो है प्रॉपर इंसुलेशन भी किया गया है। पावर वगैरह की बात करें तो 101 BHP का ये पावर डिलीवर करता है, और 136 NM का टॉर्क ये दे देता है। तो एक तरीके से एकदम मक्खन वाले इंजन आप इसको कह सकते हो। और इसमें जो माइलेज निकाल के देता है ना, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये माइलेज जो निकालता है, वो क्लेम्ड माइलेज है, वो 21 KMPL का माइलेज इसमें क्लेम करते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना ये माइलेज दे सकता है एक्चुअल में। तो ये है ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल, जिसका एक्शोरूम कीमत आपको फिर से बता देता हूँ, 10,99,000 है, एक तरीके से 11 लाख आप मीन्स तो मान सकते हो। और ये गाड़ी अगर आप रुद्रपुर उत्तराखंड से अगर आप लेते हो, तो ये यहाँ पे पड़ने वाला है सारे ऑफर स्कीम लगा के इस महीने का, वो करीबन 12.5 लाख के एक्शोरूम के आसपास में ये पड़ने वाला है। हो सकता है कि ऑफ़र स्कीम ये वाला नेक्स्ट मंथ भी चले, और बहुत ही अच्छा ऑफ़र स्कीम इस पे चल रहा है। आप चाहे तो गाड़ी को बुक भी करा सकते हो, और कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।